G20 की बैठक में जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके साथ उनके जो परिजन आ रहे हैं उनके लिए भी केंद्र सरकार ने खास तैयारी की है। तैयारियों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ केंद्रीय विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। मीनाक्षी जी, जिस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार ने हर चीज़ को लेकर की है, बहुत अलग तरीके की तैयारी है और सिर्फ ना सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो भी इसको समझ सकें, खासतौर पर हमारी संस्कृति को, हमारी जड़ों को समझ सकें, उसके लिए आपने एक खास तैयारी की है। थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। देखिए, शुरुआत आप ये देखिए, ये जो चैरियट है, ये जो रथ है, ये 5000 साल से ज़्यादा पुराना है। ये रथ बताता है कि 2000 ईसा पूर्व में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी, उपलब्धि इतनी थी कि हम रथ बनाते थे जिसमें हमने तांबे का प्रयोग किया है और वो आपको दिखाई दे रहा है। तो रथ की तकनीक ही बताती है कि भारत कितना समृद्ध था और वो समृद्धता केवल रथ में नहीं बल्कि भाषा ज्ञान, शिक्षा, उस तमाम जगह पर मिलती है। ये तलवार है, बर्तन है, अष्टध्यायी है, पाणिनी की ग्रामर की किताब है, ये छोटी सी प्लेट है जिसमें एक बच्चा तख्ती के ऊपर ब्राह्मी लिपि में लिख रहा है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे तो आपको दिखाई देगा। मगर आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी टेक्नोलॉजी उस समय भी क्या थी कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई को लेकर हम कितनी चिंता रखते थे और समाज में ये एक उपलब्धि थी कि तख्ती लेकर बैठना है, पढ़ाई लिखाई करना है। एक तरफ ब्राह्मी लिपि है, शुंगास के समय का वो टेराकोटा का स्पेसिमेन है, ये लकड़ी की तख्ती के ऊपर, ये खरोष्ठी लिपि में है। तो खरोष्ठी उल्टी, सीधे हाथ से उल्टी तरफ चलती थी और ब्राह्मी उल्टे हाथ से सीधी तरफ चलती थी और दोनों हमारे यहाँ प्रयोग होती थी और भाषा संस्कृत है। लेकिन इसके अलावा मैम और क्या क्या चीज़ें लोग, शयनक्षिति है और ये शयनक्षिति का नमूना जो यज्ञ के लिए जो बनाई जाती थी वो क्षिति का निर्माण, और आज भी आपको शयन क्षिति जो है उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी, देहरादून से थोड़ी आगे। ये 1500 से लेकर 1200 BC की है, ईसा पूर्व की चीज़ें हैं। तो ये हमारी विरासत, और जब हम डिजिटली इन चीज़ों को दिखाते हैं तो हमारी ताकत, दोनों चीज़ों का जो है समावेश मिलता है और यही हमने दर्शाने का प्रयास किया है। चीज़ें तो मैम ऐसी देखने को मिलेगी जो रामायण महाभारत से जुड़ी हुई भी हैं, ताकि जिस चीज़ के लिए हमारा देश जाना जाता है, जहां हमारे रूट्स हैं, वहां से आप जोड़कर दिखाना चाहते हैं। वो भी है और हमारे रूट्स ये भी हैं। ये विज्ञान का रूट है जिसके अंदर अश्व चिकित्सा यानी घोड़े की उपचार को लेके किताब है, आयुर्वेद का इस्तेमाल उसकी चिकित्सा पे के लिए कैसे होता था, ये वो है। जो अंदर आपने देखा वो ज्योमेट्री बताता है कि हमारी ज्योमेट्री कैसी थी, ट्रिग्नोमेट्री कैसी थी, और ये तमाम चीज़ें। ये देखिए रामायण महाभारत और ये आदि पर्व जो है वो एशिया, ये दिखाया गया है। विजय मैम, आपने रूट टू रूट्स इसको नाम दिया है ताकि लोग अपनी, हमारी जड़ों से लेकर हमारे रास्तों तक समझ सकें। जी, और हमारे रास्ते में इंडो-ग्रीक्स, अटलांटिस, तक्षशिला, वो तमाम चीज़ें भी हैं। हमारी रूट्स के अंदर दंडनी भी है, हमारी रूट्स के अंदर योग शास्त्र भी है, हमारे रूट्स के अंदर वेद भी है और ज्ञान की परंपरा भी है और विभिन्न प्रकार के जो, ये देखिए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने किस प्रकार से स्तूप को जो है इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये डिजिटल तरीके से आप दिखाने, हाँ जी, ये डिजिटल स्क्रीन है, साथ में आप उसके बारे में समझ भी सकेंगे और उसको एक अनुभव भी कर सकेंगे। जी, अनुभव भी। और ये देखिए, ये अमरावती के विभिन्न क्राफ्टेड पीसेस हैं, इतनी बारीकी में ये काम जो है वो दिखाई दे रहा है। मैम, मैं ये भी देख रहा था कि हस्तशिल्प कला जिसके बारे में भारत जाना जाता है, उसके लेकर भी आपने कई सारे इंतजाम किए हुए हैं, तो उसको लेकर भी क्या मैसेज देनी? जी, मैसेज यही है कि इतने हज़ारों साल की परंपराओं को आज तक हमने जीवित रखा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका प्रयोग करके भी दर्शाने का प्रयास किया। आखिरी सवाल मैम, कौन लोग यहाँ पर आएंगे? खास तौर पर जो डिग्नेटरीज हैं उनके परिजन यहाँ आएंगे, वो भी आएंगे? जो डिग्नेटरीज हैं उनके परिजन यहाँ आएंगे के लिए खरीदारी के लिए व्यवस्था हो। धन्यवाद मैम बातचीत के लिए। तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जो बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने पूरी तैयारी की है ताकि जो विदेशों से मेहमान G20 की बैठक के दौरान हमारे देश में आ रहे हैं वो हमारे देश की कला को, हमारे देश की संस्कृति को बेहद करीब से समझ सकें, उसको जान सकें, उसे महसूस कर सकें। इसके लिए तमाम तैयारियाँ की गई हैं। डिजिटल तरीके से आपके इतिहास को और उसकी जड़ों को भी समझाने की कोशिश की है ताकि उसको लोग इस तरीके से समझें कि वो बिल्कुल करीब से हमारे इतिहास को देख रहे हैं, हमारे इतिहास को समझ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं इस आर्ट गैलरी में, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, जहाँ पर तमाम जो डिग्निटरीज़ हैं उनकी परिवारजन यहाँ पर पहुँचेंगे और वो परिवारजन इस पूरी आर्ट गैलरी में तमाम चीज़ों को समझ सकेंगे। ये देखिए रामायण महाभारत से जुड़ी चीज़ें, जैसे केंद्रीय मंत्री बता रही थी कि रामायण महाभारत जिसको हर घर में पाया जाता है, हर घर में हम लोग पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर खूब तैयारियाँ की गई हैं। हमारे देश की जो हस्तशिल्प कला है उसको लेकर भी एक अलग गैलरी तैयार की गई है। किसी को अगर ख़रीदारी भी करनी है इस दौरान तो वो ख़रीदारी भी कर सकता है, उसके लिए भी अलग से इंतज़ाम इस दौरान किए गए हैं। यानी कि भारत की संस्कृति और भारत की कला को जो विदेशी मेहमान आएंगे वो अपने साथ ले जा भी सकते हैं। कैमरा में राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़ दिल्ली।